हेलो फ्रेंड्स, सुपर 60 एजुकेशन हब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। द हिंदू एडिटोरियल्स के साथ आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सामने अपनी हेडिंग देख रहे होंगे, पहली हेडिंग आपकी क्लाउड्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो हम एक शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड्स ऑफ वॉर, मतलब कि युद्ध के बादल। ये किसके बारे में है आप लोग को मैं इसके पहले थोड़ी सी ब्रीफ एक जानकारी दे दूँ इसकी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके जो इस समय के ट्रेड वॉर एक तरीके उसने जाहिर कर दिया है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, उससे मिला जुला कुछ ये भी है। एक तरीके से जो वहाँ के प्रेसिडेंट नए बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तानाशाह की तरह रहना चाह रहे हैं, पूरे विश्व पर राज करना चाह रहे हैं, जो कि गलत है, पॉसिबल नहीं है, बट उनके हिसाब से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इस वजह से ऐसा रुख अख्तियार कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ कुछ उसी से रिलेटेड है। आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स, जस्ट अ मिनट, लाइन है हमारी, द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स टू डायल डाउन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, नीड्स, उसको आवश्यकता है किस चीज़ की, टू डायल डाउन। डायल डाउन मतलब कम करना, मतलब किसी चीज़ की शक्ति को कम करना। जैसे मैं वर्ड्स की मीनिंग बता दूँगा, आप लोग नोट करते हो जाके, कि अलग से वर्ड्स का पूरा एक सेगमेंट पहले बताना फिर एडिटोरियल स्टार्ट करना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ऐसे में जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँगा, आप लोगों को मीनिंग्स बताते जाऊँगा, आप लोग उसे नोट करते हुए चलिएगा आगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स टू डायल डाउन ऑन इट्स मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स विद ईरान, जो ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स की मैक्सिमम प्रेशर, अधिक से अधिक दबाव की जो टैक्टिक्स नीति है, उसे उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, डायल डाउन, कम करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों, वो आगे पूरे हमारे पैरा में दिया गया है, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स डिसीजन, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका डिसीजन है टू पुल बैक फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान, जो ईरान पर एयर स्ट्राइक करने वाले, तो उससे पीछे हटने का डिसीजन था। वो डिसीजन, ये एयर स्ट्राइक कब होनी थी इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे होगी स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, ठीक है। एक होर्मूज करके आइलैंड है, जहाँ की एक संधि हुई थी। वो संधि में ये था कि वो ऐसा एक आइलैंड है जहाँ से पूरे विश्व का एक तिहाई भाग का जो ऑयल जो मूवमेंट होता है वो वहीं से होकर के होता है, मतलब सारा, मतलब एक जो मेन रूट है वही है। और वहाँ पर हुआ क्या था कि बीच में दो टैंकर्स अभी जो ऑयल के थे उनकी, मतलब एक दूसरे से कुछ युद्ध किस्म का हो गया था वहाँ पर, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि किसने उन टैंकर को नाश किया, डिस्ट्रॉय किया था। और उसके बाद ही क्या हुआ कि वहाँ पर एक अमेरिका का ड्रोन जो विमान था वो उड़ रहा था, और उसे ईरान ने क्या किया, अपने किसी मिसाइल से उड़ा दिया, मार गिराया। तो उसके बाद से जो अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स था, उनका एक जो मकसद था एयर स्ट्राइक का, वो होना था, बट उस पर डोनाल्ड ट्रंप जी जो वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया, पुल बैक, मतलब उस चीज़ को रोक दिया पूरी तरीके से। वो कब, वो भी यहाँ पे आगे लिखा था जो मैंने आपको बताया, आफ्टर द लेटर शॉट डाउन एन अमेरिकन ड्रोन नियर द स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, जो कि होर्मूज आइलैंड है, वहाँ की संधि थी, उसके इर्द गिर्द जो अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया था। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से अमेरिका एयर स्ट्राइक करने वाला था ईरान पर, लेकिन उसको रोकने का जो ट्रंप का डिसीजन था, वॉज अ रेयर मोमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट, वो एक तरीके का रेयर मोमेंट था, वो यदा कदा देखे जाने वाली स्थिति थी, क्योंकि उनको बहुत ही आक्रोशित नेता माना जाता है। उनके द्वारा ऐसा शांतिप्रिय डिसीजन लेना एक रेयर मोमेंट था ऑफ रिस्ट्रेंट, अंकुश लगा हुआ, वो भी कब, एमिड अदरवाइज एस्केलेशन टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, वो भी उस समय जब दोनों कंट्रीज के बीच इस समय मतलब बहुत ही तनाव की स्थिति है, उस कंडीशन में भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक शांतिप्रिय डिसीजन लिया और जो एयर स्ट्राइक थी उसको रोका। द रैशनल बिहाइंड द पुल बैक, ये जो उनका पीछे हटना था, इसके पीछे का जो कारण था, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ देखते हैं हम। द रैशनल बिहाइंड द पुल बैक, ये जो पीछे हटना जो रिट्रीट था उनका, इसके पीछे का जो औचित्य तर्क था, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप के आधार पर, वॉज दैट, वो ये था कि he did not want to cause any loss of Iranian lives, वो किसी भी ईरानी लोग मानव की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाह रहे थे किसी भी तरीके का, एज चूँकि no American lives were hurt by the Iranians, क्योंकि किसी भी ईरानी के द्वारा किसी भी अमेरिकन व्यक्ति की मृत्यु या फिर किसी तरीके की हानि नहीं पहुँचाएगी, इस वजह से वो भी ऐसा नहीं चाह रहे थे कि किसी ईरानी की, मतलब उनकी द्वारा, मतलब किसी तरह का डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हो, किसी तरह कोई भी आतंकी गतिविधि, आतंकित हो लोग वहाँ के, ठीक है। एक मिनट ज़रा सा हम इस अपने ब्रश को सही कर लें। जस्ट मिनट, ओ
चलिए फिलहाल इसे से काम चला रहते हैं। कहाँ थे हम? कहाँ गया? बाय द ईरानियंस, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये। अब देखते हैं। क्लियरली, स्पष्ट रूप से मिस्टर ट्रम्प, डिस्टर्बेंस हो रही है, पहली क्लास है, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। क्लियरली स्पष्ट रूप से मिस्टर ट्रम्प थे वहाँ के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, हु हैड कैंपेन्ड अगेंस्ट द कॉस्टली वॉर्स ऑफ द यूएस ओवरसीज, जो उनके आने के बाद से एक तरीके का उन्होंने अभियान चला दिया, मतलब यूएस के बाहर जो अन्य देशों पर एक तरीके के मतलब वॉर की कंडीशंस उन्होंने क्रिएट कर दी थी, डज नॉट सीम टू बी इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। डज नॉट सीम, वैसा नहीं, वैसे ऐसे नहीं नज़र आ रहे हैं टू बी इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग, कि वो किसी तरीके का मतलब खुला युद्ध ईरान के खिलाफ लॉन्च करें, शुरू करें, इस कंडीशन में वो नहीं नज़र आ रहा, या फिर ऐसा उनके बिहेवियर से देख करके ऐसा नहीं लग रहा है इस समय। अ वॉर विथ ईरान, आगे देखते हैं हम लोग, अ वॉर युद्ध विथ ईरान कुड बी प्रोलॉन्ग्ड एंड डिजास्टर्स, यदि ईरान के साथ युद्ध हुआ तो उन्हें ये बात पता है कि बहुत ही दीर्घकालिक होगा और बहुत ही विध्वंसकारी होगा। प्रोलॉन्ग की हिंदी आप लिख सकते हैं दीर्घकालिक, और डिजास्टर्स मतलब विध्वंसकारी, ठीक है। कैंपेन मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अभियान चलाना, ठीक है। एक वर्ड होता है यहाँ पे आप लोग देखिए, शैम्पेन, ठीक है। शैम्पेन मतलब शराब होती है, और इसी के साथ एक वर्ड होता है, सेम स्पेलिंग, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होता है ये, ठीक है। ये आई यहाँ पे, शैम्पेन मतलब कि समतल प्रदेश, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे, हाँ। अ वॉर विद ईरान कुड बी प्रोलॉन्ग्ड एंड डिजास्टर्स, एक अगर युद्ध ईरान के साथ होता है तो बहुत दीर्घकालिक होगा और विध्वंसकारी होगा। ईरान हैज़ बैलिस्टिक मिसाइल्स, अब ऐसा क्यों होगा, आगे रीजन दिया, ईरान हैज़ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब प्रक्षेपकीय मिसाइल वगैरह, प्रॉक्सी मिलिशियाज मतलब उनके पास बहुत ही सुदृढ़ सेना है, एंड अ रिलेटिवली वाइब्रेंट नेवी, और इसके साथ साथ उनका जोशपूर्ण नेवी की सेना भी बहुत मतलब बड़े पैमाने पर है। एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और जो हॉर्मुज की जो संधि है, थ्रू विच 1/3 ऑफ द वर्ल्ड सी बॉर्न ऑयल शिपमेंट मूव, जिससे होकर के विश्व का 1/3 भाग का जो ऑयल शिपमेंट है वहीं से होकर गुजरता है, इज़ विद इन इट्स रेंज, वो भी उसकी जद में है, इज़ विद इन इट्स रेंज, वो भी उसकी उनकी मिसाइल्स के रेंज के अंदर आता है। इस वजह से भी जो मिस्टर ट्रंप का डिसीजन था पुल डाउन होने का, पुल बैक होने का, इस वजह से भी था। आगे लिखा है, मिस्टर ट्रम्प डज नॉट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, जो ट्रम्प हैं वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कब तक, अनलेस जब तक देर आर प्रोवोकेशंस, जब तक ऐसा कोई उकसावा ना आए फ्रॉम ईरान, ईरान की ओर से टारगेटिंग अमेरिकन लाइव्स, किसी भी तरीके से ऐसा ना नज़र आए कि कहीं ना कहीं कहीं से भी ईरान जो है अमेरिकन लोगों के पर निशाना साधे, अगर जब तक कहीं से ऐसा प्रोवोकेशन है तब तक जो मिस्टर ट्रम्प है किसी तरीके का कोई भी वो ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसमें रिस्क हो किसी तरह का ईरान के साथ। वाइल दिस अप्रोच, उनकी जो सोच है इज बेटर देन, वो थोड़ी सी बेहतर है किससे, दैट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो मिस्टर ट्रम्प के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जॉन बोल्टन, उनकी जो सोच है उनसे बेहतर है। उनकी सोच क्या थी, हु हैज़ थ्रेटन्ड ईरान, जिन्होंने ईरान को धमकाया था विथ वॉर सेवरल टाइम्स, युद्ध के माध्यम से सेवरल टाइम्स, कई बार मतलब युद्ध की धमकी दे करके ईरान को कई बार, जो ट्रम्प के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन है उन्होंने डराया था, उनकी सोच से बेहतर है मिस्टर ट्रम्प की सोच, जो उन्होंने अपने अपने आप को वहाँ रोक लिया ईरान के ऊपर आक्रमण करने से किसी भी तरीके का। आगे है थ्रेटेंड और सेवरल टाइम्स, हाँ। व्हाट द यूएस प्रेसिडेंट्स ओवरलुक्स, मतलब वो चीज़ जिसको यूएस प्रेसिडेंट ने नज़रअंदाज किया, क्या थी, इस ये थी दैट की द करंट स्टेट ऑफ टेंशंस, जो इस समय उनके बीच तनाव की जो स्थिति है, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इज मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक, वो किस चीज़ का परिणाम है, उनकी जो मैक्सिमम प्रेशर की जो नीति थी, अधिक से अधिक दबाव की जो नीति थी, उसी का परिणाम है आज यूएस और ईरान के बीच इतनी ज़्यादा दिक्कतों होने का। अ ईयर अगो, आगे देख रहे हम लोग, अ ईयर अगो, एक साल पहले
मिस्टर ट्रंप पुल्ड द यूएस आउट ऑफ न्यूक्लियर डील। मिस्टर ट्रंप जो थे उन्होंने यूएस को न्यूक्लियर डील से बाहर निकाल लिया, अपने मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को जो डील विथ न्यूक्लियर डील उसे बाहर निकाल लिया, विथ विच ईरान वॉज फुली कंप्लायंट, जिसमें जो ईरान था पूरी तरीके से एक आज्ञाकारी की तरह अपनी स्थिति निभा रहा था। सेटिंग ऑफ द एस्केलेशंस, और ये मतलब ये यूएस को न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना है क्या था, सेटिंग ऑफ द एस्केलेशन, एक शुरुआत थी किस चीज़ की, एक मतलब बढ़ावे की, मतलब तनाव को बढ़ावा देने की एक शुरुआत थी। हिज प्लान, उनकी जो सोच थी वॉज टू स्क्वीज द ईरानियन इकॉनमी, जो ईरान की अर्थव्यवस्था उसको पूरी तरीके से दबा लेने की, एंड फोर्स तेहरान, और तेहरान को मजबूर करने की, टू द टेबल टू री नेगोशिएट द न्यूक्लियर इशूज़, कि वो जाकर ईरान से फिर इस न्यूक्लियर इश्यूज पर उलझे, एज वेल एज उसके साथ ही ईरान मिसाइल प्रोग्राम, और जो ईरान की मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी उससे मतलब वाद विवाद करे, एंड रीजनल एक्टिविज्म, और वहाँ का जो क्षेत्रीय सक्रियता है उन लोगों की उस पर वो बात करे, फॉर अ बेटर डील। ऐसा वो क्यों करना चाहते थे, एक बेटर डील के तहत अपने मतलब अपने फ़ायदे, पर्सनल फ़ायदे के लिए वो ऐसा कराना चाह रहे थे। एक साल बाद हुआ क्या द यू एस एंड ईरान ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। आज ठीक एक साल बाद यू एस और ईरान जो है आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, युद्ध की कगार पर खड़े हैं। ब्रिंक मतलब कगार पर, वर्ज मतलब भी आप लोग जानते हैं, एज मतलब भी आप लोग जानते हैं, कगार पर होना, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ मिस्टर ट्रंप, वापस देख रहे हैं हम लोग, द प्रॉब्लम विथ मिस्टर ट्रंप्स मैक्सिमम प्रेशर अप्रोच, जो मिस्टर ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की अप्रोच थी उसमें जो समस्या थी वो क्या थी, इज दैट ही डजंट सीम टू हैव अ प्लान, ऐसा नज़र आ रहा था कि उनके पास कोई प्लान नहीं था, बिटवीन द सैंक्शंस ड्रिवन प्रेशर टैक्टिक्स, किनके बीच में, जो उनके प्रतिबंध लगाए गए थे उसके द्वारा जो उनकी जो प्रेशर डालने की जो नीति थी उसके बीच में, एंड पोटेंशियल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होने थे उसके बीच में उनके पास कोई प्लान नहीं था, ये उनकी मैक्सिमम प्रेशर की सबसे बड़ी समस्या थी। ईरान ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो ईरान था, इज़ रेडी टू टेक लिमिटेड रिस्क, वो थोड़े बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, एज़ इट्स एक्शन सच एज द थ्रेट, वो ऐसा हमें कैसे पता चलता था, क्योंकि हमने देखा इट्स एक्शन सच एज, जैसे कि उसके कुछ कार्य थे, द थ्रेट टू ब्रीच द, कि उन्होंने एक धमकी दी थी, टू ब्रीच मतलब तोड़ देना, उल्लंघन कर देना, द यूरेनियम इनरिचमेंट लिमिट्स, जो उनकी यूरेनियम से समृद्धि है उसकी जो लिमिट निर्धारित की गई थी सेट बाय द न्यूक्लियर डील में, उसको उसका उल्लंघन करने का जो एक धमकी दी उन्होंने, और द डाउनिंग ऑफ द अमेरिकन ड्रोन, और जिन्होंने ड्रोन को मार गिराया, ये दो चीज़ें क्या थी, ये दो चीज़ें इस चीज़ का सबूत थी कि वो जो ईरान है वो पूरी तरीके से तैयार थोड़े बहुत रिस्क लेने के लिए, ठीक है। कहाँ गए हम, ट्रू, हाँ, अब ये जो दोनों चीज़ें सजेस्ट, ये इस चीज़ को हमें बताती है क्या, टू ब्रेक द स्ट्रेंज होल्ड ऑफ द सैंक्शंस। अब ये जो क्लॉज आप देखेंगे कहाँ जुड़ी हमारी, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वापस हम लोग ऊपर चलते हैं, कहाँ गया, ईरान इज़ रेडी टू टेक लिमिटेड रिस्क, अभी यहाँ से लिमिटेड रिस्क से बाद ये पूरा एक क्लॉज दिया गया, उसके बाद इसके बाद वाली क्लॉज है, टू ब्रेक द स्ट्रेंज होल्ड ऑफ द सैंक्शंस, वो रिस्क लेने के लिए क्यों तैयार है, टू ब्रेक द स्ट्रेंज होल्ड ऑफ द सैंक्शंस, जो उनके ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गया, प्रतिबंधों का जो एक जकड़ है उनको, जो प्रतिबंधों ने उन्होंने जकड़ लिया है उसको तोड़ने के लिए वो थोड़े बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार खड़े हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक समझा होगा क्लॉज को, ये सब्जेक्ट रहा, ठीक है, उसके बाद ये ऑन द अदर एंड तो मतलब बताएगा कि दूसरी तरफ जो ईरान इज़ रेडी टू टेक लिमिटेड रिस्क, वो तैयार थोड़े बहुत रिस्क लेने के लिए, किस किस वजह से, टू ब्रेक द स्ट्रेंज होल्ड ऑफ द सैंक्शंस, जो उनके ऊपर एक जो शिकंजा कसा हुआ है प्रतिबंधों का उसको तोड़ने के लिए, ऐसे देखिए क्लॉजेस जुड़ती हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम, एक मिनट, एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ, मिस्टर ट्रंप हैज़ अ सिचुएशन, मिस्टर ट्रंप ऐसी उनके पास ऐसी कंडीशन है वेयर मैक्सिमम प्रेशर इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट, जहाँ पर उनका जो मैक्सिमम प्रेशर था वो अब उनका मनचाहा जो रिजल्ट होना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, बल्कि हो कह रहा है, एंड बोथ कंट्रीज, जबकि जो दोनों कंट्रीज आर एजिंग, मतलब कगार पर, टूवर्ड्स अ वॉर ही डजेंट वॉन्ट,
जो दोनों कंट्रीज़ है वो युद्ध की ओर बल्कि बढ़ रही हैं, ऐसा युद्ध जो कि ट्रंप नहीं चाहते हैं। वो जो चाहते थे उनके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था उनसे वो उनको वो तो नहीं मिला है मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति से, बल्कि हो कह रहा है कि दोनों जो देश हैं दोनों कंट्रीज़ हैं वो वॉर की ओर बढ़ रही हैं, ही डजेंट वॉन्ट, जैसा कि वो नहीं चाहते हैं। एक मिनट, दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक डिलेमा, ये एक तरीके की स्ट्रैटेजिक अंतर्द्वंद है दैट वॉरेंट्स अ रिकैलिब्रेशन ऑफ पॉलिसी, जो इस चीज़ का अधिकार देता है, फिर इस मतलब ये जताता है कि अ रिकैलिब्रेशन पॉलिसी, जो पॉलिसियों पर पुनः विचार एक बार होना चाहिए। मिस्टर ट्रंप्स डिसीजन टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, जो मिस्टर ट्रंप का डिसीजन था जो उनकी एयर स्ट्राइक थी उसको रोकने का, एंड द न्यू डेडलाइन ही सेट फॉर ईरान, जो ईरान के लिए उन्होंने नई जो एक प्रतिबंध की नियम उन्होंने सेट किए हैं, कुड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर सच अ रिकैलिब्रेशन, एज ये दो उनके निर्णय कुड क्रिएट, वो उत्पन्न कर सकते हैं क्या, एन अपॉर्चुनिटी फॉर सच अ रिकैलिब्रेशन, ऐसे पुनः विचार के लिए अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। ही कुड सीज द मोमेंट टू अश्योर, ही कुड सीज द मोमेंट, वो उस मतलब उस पूरे वाक्य पर नियंत्रण कर सकते थे, टू अश्योर ईरान को सुनिश्चित करने के लिए दैट की हिज प्राइमरी गोल इज इंगेजमेंट नॉट कन्फ्लिक्ट, कि जो ईरान को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए कि उनका जो प्राइमरी उनका जो मुख्य उद्देश्य है इज़ इंगेजमेंट, वो तालमेल के साथ सहयोग के साथ काम करना, नॉट कन्फ्लिक्ट, ना कि वहाँ पर युद्ध की जैसी स्थितियाँ पैदा करना है। वॉट ईरान वॉन्ट्स द मोस्ट इज़ रिलीफ फ्रॉम द सैंक्शंस, जो ईरान सबसे अधिक जो चीज़ चाहता था वो क्या था, इज़ रिलीफ फ्रॉम द सैंक्शंस, कि उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए वो हटा दें, क्योंकि भाई वो तेल में ही मेन जो उनका जो ट्रेड है वो तेल से होता है और उसी पर अधिक से अधिक अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे, इस वजह से वो बहुत ही मतलब परेशानी कंडीशन में आ चुका था। इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू अ पॉलिसी, एक नीति से चिपके रहने के बजाय, दैट हैज़ प्रूव टू बी सो काउंटर प्रोडक्टिव, ऐसी पॉलिसी जो कि क्या साबित हुई, अनुत्पादक साबित हुई, अनरिस्की और खतरे से भरी साबित हुई, मिस्टर ट्रंप है कुड ऑफर तेहरान को ऑफर कर सकते थे सम रिप्राइव, कि तेहरान पर से कुछ दंड विराम लगा देते, कुछ उनके पनिशमेंट तेहरान पर कम कर देते या फिर सैंक्शंस कम कर दें इन रिटर्न, बदले में फॉर इट्स रिमेनिंग इन द न्यूक्लियर डील, वो भी किस चीज़ का, कि जो तेहरान था वो न्यूक्लियर डील में बना रहा, उसने किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं जाती, इस चीज़ के रिटर्न में तेहरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको बल्कि ट्रंप कम कर सकते थे, विच कुड बी फॉलोड अप बाई फ्रेश डिप्लोमेटिक ओपनिंग, जो क्या साबित हो सकती थी, एक फ्रेश डिप्लोमेटिक ओपनिंग, एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इफ़ ही कंटिन्यूज़ विद द प्रेशर टैक्टिक्स, यदि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स दबाव की नीति के साथ बने रहें, टेंशंस विल स्टे हाई, तो जो तनाव की स्थितियाँ हैं वो और बढ़ेंगी, द स्ट्रेट ऑफ होर्मोज वुड बी ऑन द ब्रिंक, वो जो होर्मोज की संधि है वो भी हमेशा खतरे में रहेगी, एंड फर्दर प्रोवोकेशन बाय अदर साइड, और किसी तरीके किसी भी ओर से दोनों देशों में किसी भी ओर से थोड़े से भी अगर उकसावे की स्थिति आई और इवन एन एक्सीडेंट और छोटा सा भी एक अगर कोई घटना हो गई, कुड ट्रिगर, तो ये चीज़ें कुड ट्रिगर, ये बढ़ा सकती है इसको, अ फुल स्केल कन्फ्लिक्ट को, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाले द्वंद युद्ध को अग्रसर कर सकती हैं, दैट इज़ अ डेंजरस स्लोप, और ये एक बहुत ही खतरनाक ढाल की ओर ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो एडिटोरियल था ये तो पूरी तरीके से आपको हमने फिनिश कर दिया, और जितनी कोशिश हमारी हो पाए हमने अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश की आपको, अब ये आप पर डिपेंड करता है आपने कितना समझा, क्या क्या दिक्कतें आप लोग को इस बीच आ रही हैं, या आप हमसे शेयर करिए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम और बेहतर चीज़ों को कर सकें, और कमेंट्स लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं जब हिंदी लाइन बाई लाइन बताता हूँ उस बीच में जब वर्ड्स की जो मीनिंग बताता हूँ वो मीनिंग भी आप लोग अच्छे से तैयार करते हुए चलिए, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।